मगहिया जवान तो है नहीं, सबसे पहला चीज मौगहिया जानवर है वो जी, मौगहिया जानवर, मौगहिया जानवर जी, है। और जो आपने कहा कि 36 का आंकड़ा चलता है संतोष रेणु और मौगहिया जानवर के बीच में जी, किस अंग से लगता है कि वो हमारे स्टेटस के लेवल जाए? जो लाद है गंदा गंदा काम का तो क्या मिलने के जाइएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो बर्नौल है, सिल्वर एक्स मलहम है, मूव है, आयोडेक्स है, ये सब चूंकि उसको अभी अत्यंत आवश्यकता है, उसको हम देख रहे थे कि ऐसे उठा लेता, हमको बहुत दया आ रही है। अगर संतोष रेणु जी का नजायज औलाद कौन है तो भाई पब्लिक का बात मानिएगा ना जी, जी। तो पब्लिक के बात में जो कमेंट आएगा तो मानिएगा ना, जरूर जरूर। अब देखते हैं पब्लिक क्या कमेंट कर रही है कि आपके उनके बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या हो जहाँ भैया जानवर है। और ये जो चिल्ला रहा था खेसारी भैया पर जी, उतार बड़का मौसा हुए बुझलिस, उतार बड़का मौसा, ठीक है। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। आप सबों को मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मगहिया जवान के नाम से जाने जाने वाले समर सिंह और गौतम सिंह जो है वो जेल जा चुके हैं। आज हमारे साथ जो है संतोष रेणु जी जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं इनके पास आया हूं क्योंकि इनके और मगहिया जवान के बीच जो है 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है। पिछली बार जब संतोष रेणु जी जो है वो जेल गए थे तो उसी वही मगहिया जवान जो है वो आके वीडियो बना रहा था और इनके बारे में अभद्र बात जो है वो बोला हुआ था। लेकिन मैं आज हम संतोष रेणु जी से जानना चाहेंगे कि यह जान रहे हैं कि मगहिया जवान जो है जेल चला गया, इसके बारे में ये क्या कहते हैं। संतोष रेणु भैया, सबसे पहले तो आपको इंडियन टाइम्स न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और इंडियन टाइम्स न्यूज़ को देखने वाले जितने भी श्रोता समाज हैं उनको मेरा प्रणाम। मेरा यह पहला सवाल है कि जैसे मगहिया जवान जो है जेल गए हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है कि SC ST एक्ट के तहत जो है वो जेल गए हैं और धारा 131/22 के तहत जो है वो जेल गए हैं, आपको क्या लग रहा है कारण क्या हो सकता है, अंदर की बात क्या? नहीं, उसके पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने जो कहा कि मगहिया जवान वो तो है नहीं, सबसे पहला चीज मौगहिया जानवर है वो जी, मौगहिया जानवर, मौगहिया जानवर जी, है। और जो आपने कहा कि 36 का आंकड़ा चलता है संतोष रेणु और मौगहिया जानवर के बीच में जी, किस अंग से लगता है कि वो हमारे स्टेटस के लेवल मेंटेन करता है, कहाँ से लगता है उससे हमारा 36 का आंकड़ा चल सकता है संतोष रेणु? ऐसा तो संतोष रेणु ही बोले थे कि वो आपका ही खून है। अरे आपका तो हमारा खून है, हमारा नजायज औलाद है वो जी जी। आपने तो नजायज औलाद से 36 का आंकड़ा हम क्यों करेंगे जी, वो कीड़ा मकोड़ा है जी, ओरिजिनल औलाद थोड़े है कि शेर पैदा लेगा, वो नजायज औलाद है, कीड़ा मकोड़ा है, उससे क्या 36 का आंकड़ा होगा? उसका बाप दादा हमसे बात करता है आकर के, सामने मैंने सामना सामने बात करता है, तब जाकर के हम कहें कि हाँ भाई चलो एक लेवल का आदमी बात किया, जब कचरा तचरा। लेकिन हाँ, उसकी जो विचारधारा जो थी, समाज को तोड़ने वाली विचारधारा जी, देश को तोड़ने वाली, देश की अखंडता को तोड़ने वाली जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के मैं खिलाफ था, मैं उससे मैं फाइट करता था जी। ये सब दूर, ये सब दो कौड़ी का आदमी क्या फाइट करेगा हमसे, सब क्या फाइट करेगा ये सब। पिछली बार जब आप जेल गए थे तो यही जो भी है, मगहुआ आपके भी मुंह से निकल आया ना, मऊगा जवान का, ये आप बोलते हैं, आप जो बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जो भी बोलते हैं, वो जब जेल अब मतलब कि आप जब जेल गए थे तो उन्होंने काफी टिप्पणी किया था, लेकिन अब वो जेल गए हैं तो क्या आप, मैंने सुना भी है कि आप काफी दिलेरी दिल के हैं और काफी सहयोग भी करते हैं, तो आप मिलने वाले हैं या कुछ सपोर्ट वपोर्ट कीजिएगा कि वहीं आप भी मतलब रूल निभाने वाले हैं जो उन्होंने किया था? देखिए, जेल हम जब गए थे तो हम कैसे गए थे जी, वो भी दुनिया देखी, और वो कैसे गया ये भी दुनिया देखी। हमें जब हमारे देश के संविधान के तहत कानून का बुलावा आया, मैं गया कानून के पास और जा कर के मैंने कानून को सपोर्ट किया कि ठीक है, अगर मेरे ऊपर आरोप है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद आपके पास आ गया, आप तहकीकात कीजिए, जांच कीजिए जो करवाए। हाँ, मुझे न्यायिक प्रणाली पे मुझे भरोसा था, हमको न्याय मिला। देखे थे ना कि वहाँ पे प्रशासन भी, जब मैंने उनको सम्मान दिया तो प्रशासन, वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो चाहते हैं कि हमारे देशवासी अच्छे से रहें, उन्होंने भी मुझे सम्मान दिया और अच्छे तरीके से जेल तक हमको ले गए, ठीक है मेरे पे। जवान के बारे में क्या हुआ? लेकिन उसको तो आप देखे हो कि हाफ पैंट, रबड़ के पैंट, रायपुर से उनको हिरासत में लिया गया। अब रायपुर से पकड़े जाए, सरसोपुर से पकड़े जी, लेकिन रबड़ के पैंट आप तो देखे ही होंगे, बड़ा फेमस हो गया है जी 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 जी। रबड़ के पैंट में भी
अब काका हुआ होगा जो तो वही जानेगा। बहुत सारे वीडियो में आपने रबड़ का पैंट जो है ये उल्लेख किया है, आखिर ये रबड़ का पैंट बहुत जल्दी सरक जाता है। रबड़ के पैंट जी, रबड़ के पैंट जो है वो बहुत जल्दी सरक जाता है जी जी। यहाँ से मारिएगा तो सराख से नीचे जी। तो वो स्थिति तो नहीं हुआ था, वो स्थिति आज तक देखे हैं। लगभग लोग बोलता है कि ये है वो है, तो क्या हुआ है? गमछी खुल गया रे, पकड़े पड़ रहा है, हैं? अब भोंकता है, भोंकता है तो हमको लगता है कि कितना लोग इसके मैंने पीछे क्या क्या किए होंगे जी, उसी का ही खुन्नस बन चुका है, असर बन चुका, तब भोंकता है। और वहीं जिप्सी में बैठकर चिल्ला रहे हैं कि खेसरिया 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 और बाकी खेसरिया तो बड़का बाबू यही रे। अरे मगहिया जवान, जो तू कहता है जो तुम है नहीं, मगहिया जवान, मगध में 13 जिला है, उसके सभी बच्चे मगहिया जवान है अपने आप में। लेकिन ये इन्होंने जो लेकिन काम ये मगहिया जानवर है, और ये जो चिल्ला रहा था खेसारी भैया पर जी, तो उतार बड़का मौसा हुए बुझलिस, उतार बड़का मौसा, ठीक है? ये चलते कि हमारे बड़े भाई हैं तो तुम्हारे बड़का मौसा होंगे, उनका रिस्पेक्ट किया करो। और दूसरी चीज, ये जो बोलता है कि हम एससी एसटी मैटर में हम नहीं पकड़ाए हैं, खेसारी जी वाले मैटर में नहीं पकड़ाए हैं, कौन और पुराना है, पुराना मैटर, तो पुराना मैटर क्या है? तो पुराना मैटर तो पूरी दुनिया जानती है कि इसकी चचेरी बहन के साथ इसका जैसा नजायज संबंध है। सच में? अरे तो हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं ना। अरे दर्शकों, आपको ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है कि मगहिया जवान का संबंध जो है उनके चचेरी बेटी से था। है एक दो कैसा है जी, और क्या क्या, जो महादलित समाज के जो हमारे भाई हैं उनके ऊपर टिक्का टिप्पणी करने का इसने कोशिश किया और किया भी। ये भूल गया कि जिस देश में तुम रहते हो उस देश का संविधान हमारे दादा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई है, और जब उनका तुम अपमान कर रहे हो जी, तो फिर तुम इस देश का कैसे हो सकते हो, तुम इस देश का तुम हो कैसे सकते हो? अब बताइए, महादलित समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी, कलाकार बंधुओं पर टीका टिप्पणी, बहुत बुरी बुरी, मीडिया वाले बंधुओं पर टीका टिप्पणी जी, यहाँ तक कि जो कलाकार वर्ग में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी वैसे कहा गया है। कुछ आओ इतना नहीं, ये अपन घर में चचेरी बहन के ऊपर नजर गलत डाल दिया, ये चलेगा अश्लीलता के विरोध करे? ये अपन पेट भरे ला ये सब कर रहा था, अरे फ्री में खाना मिलता है समझा, जेल में हमारे देश के पास इतनी तो ताकत है ये ना है जी, कि तोरा ऐसे ऐसे नौचटियन के फ्री में खिला सकते हैं। अब बात रहा कि अगर तुम्हारे बाप को अगर खाना घट जाएगा ना, कहना तो नहीं चाहिए, तुम्हारे फादर के ऊपर नहीं जाना चाहिए हमको जी, लेकिन इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि तुम अपने बाप का भी कहीं ना कहीं मान सम्मान डुबाने का काम किया, तो अगर उन लोगों को भी अगर घट जाएगा ना खर्ची, तो फिर हम लोग हैं कलाकार लोग, हम सब कलाकार लोग मिल करके तुम्हारे बाप को भी खिलाएंगे। बाप के मान सम्मान की बात करें तो अभी जो जेल गए हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर घर का कोई भी लड़का या लड़की जेल जाता है तो बाप मातारी का नाम डूबता ही है, साथ में गांव समाज भी डूब जाता है। हमारा नाम नहीं डूबा। हाँ, लेकिन ये हमारा नाम नहीं डूबा जी। आप सोशल मीडिया पर जाकर आप सर्च कीजिए कि संतोष रेणु का नाजायज औलाद कौन है, कौन है, आप जब से सर्च कीजिएगा तो उसमें दुइयों को नाम आएगा, एक हानिए दोनों के, तो हमारा भी तो नाम डूबा ना जी। जरूर, जरूर। अरे ना जायजे औलाद था लेकिन था ना जी, जी। तो तुम्हारा नाम तो बना दिया बहुरा आ कहीं क्या हो में रबड़ का पैंट पहन के पकड़ाते हो, हैं? रबड़ का पैंट पहन करके तुम क्या क्या तुम्हारे साथ हुआ होगा जो हम सोच करके हम टेंशन में आ जाते हैं जी। तब लेकिन कहीं ना कहीं ये तो आप कह सकते हैं कि जैसे कि उनके माता पिता का नाम जो है बदनाम हुआ है, और जो उन्होंने काम किया है जेल गए हुए उनके बाद, कहीं ना कहीं मगहिया जवान जो ये शब्द है जो न कि सिर्फ उनके नाम से जोड़ा जाता है, पूरे मगहिया जवान जितने भी होंगे उनका भी नाम तो जरूर डूबा होगा। आदरणीय जीताराम मांझी जी के ऊपर कमेंट किया था जी, तो वो तो भाई मगध के ही है ना जी, और मगध का नाम कितना गौरव किया उन्होंने, है जी। तो एक मगध का आदमी कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता। तो ये तो इलीगल प्रोडक्शन है, इसका प्रोडक्शन ही ओरिजिनल नहीं है जी। तो तुमको लंबा अब तुम रहोगे, अब तुमको बहुत लंबा दिनों के लिए अब
तैयारी कर दिया गया है, गर्म जोशी से इसका स्वागत हुआ है पूरा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि मैं जल्द आऊंगा, वो भी पूरे गर्मी जोशी के साथ आऊंगा। वो जो अच्छा धमाका गर्मिया जो रात मिला ना है, जी जी, वो गर्मी बड़ी बढ़िया ऐसे एकदम बड़ी बढ़िया से बैठल गर्माया गया, इसको बैठा जा रहा होगा, इसको बैठे में दिक्कत हो रहा होगा। देख रहे होंगे आप खड़िए हमें को वीडियो इसका देखे हैं, जी जी, इसका वीडियो को वायरल हुआ है, तो बैठले तो हल्का ऐसे करके टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। उसका कारण क्या है कि टेढ़ा के बैठे हुए हैं? पूरा गर्मी ना आ गया है। ओके, पूरा गर्मी आ गया है। सीधा बताइए कि धोया गया है उनको जेल के अंदर कस्टडी में? अब तो विशेष आप लोग समझ ही जाते हैं। तो पूरा गर्मी एकदम गर्मा गर्म स्वागत कैसे होता है चाशनी मिला करके, जी वो हुआ है। तो अब तो विशेष तो मुझे गर्व है और बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान की पुलिस, बिहार की पुलिस और गया की पुलिस, गया ऐसे भी विश्व प्रसिद्ध जगह है, वो भी छत्तीसगढ़ में जाकर रायपुर, वो छत्तीसगढ़ 72 में घुस जाएंगे वो। आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, 72 मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, छत्तीसगढ़ सुना तो भाई गया है जिला हुए गया, यही जा टंगा जेबू बाची हो, हमारे गाना रहे, सुना दीजिए एक बार दर्शकों को थोड़ा सा। अरे की जिला हुए गया यही जा टंगा जाइबू बाची हो, जिला हुए गया यही जा। लेकिन तो, यहाँ पे बाछा टंगा गया। हाँ, यहाँ पे सियार टंगाया है, सियार सियार बाछा नहीं कह सकते। बाछा जो होता है वो जवान होता है, तो बैल बनता है, वो फार्मर जो किसान लोग होते हैं उनको मदद करता है। आज तक किसको मदद किया? आज तक खुद को मदद नहीं कर पाया। ये सब सियार को क्या कहिएगा, सियार बिलार 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 इसको कह सकते हैं। और बाकी इसको मूव मल्लम मैं वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ, मैं मिलूँगा, मैं जा करके मैं कोशिश करता हूँ मिलने का। बर्नौल ले लूँगा और सिल्वर एक्स ले लूँगा और मूव ले लूँगा। ये चलते कि देखिए कुछो है लेकिन बाले बचाना है। दूसरे नु गया जो जहाँ पे जेल में वो गए हुए वहाँ पे आप जाने वाले हैं? कोशिश देखिए अगर सब कुछ ठीक ठाक व्यवस्था रहा तब तो खैर हमको ऐसे भरोसा है, जैसे कानून पे प्रशासन पे न्यायपालिका पे भरोसा है कि अच्छा से स्वागत किए हैं, जिस तरीके से वैसा स्वागत करते रहेंगे एनी टाइम। और संतोष रेणु जी है जैसे कि वो कहते हैं कि वो मेरा मतलब रिलेशन आपका है, तो क्या आप जेल में जाने वाले हैं कि नहीं? हम ही कहते हैं। आप संतोष रेणु फिर कहते हैं, हम नहीं कहते खाली जी। आप देखिए जो सच्चाई होता है पूरी दुनिया जानती है, सूरज पूर्व में है उगता है पूरी दुनिया जानती है ना जी, जी, जी। जानती है ना जी, जी। दूध उजला होता है पूरी दुनिया जानती है ना, दुनिया जानती है। वैसे ही आप डालिएगा यूट्यूब पर चाहे सोशल मीडिया पे दूध का रंग कैसा होता है, सब लोग बोलेंगे उजला। डालिएगा सूरज किस तरफ से उगता है तो बोलेंगे लोग पूरब की तरफ। आप वहीं पर डाल दीजिएगा संतोष रेणु जी का नजायज औलाद कौन है, तो भाई पब्लिक का बात मानिएगा ना जी। जी तो पब्लिक के बात में जो कमेंट आएगा तो मानिएगा ना। जरूर जरूर। अब देखते हैं पब्लिक क्या कमेंट कर रही है कि आपके उनके बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या हो जान रहे हैं जी, पब्लिक आप जानते हैं। आप हमको भाई बोलते हैं ना, जरूर। तो वो आपका भी नजायज भतीजा हुआ? नहीं यार, मेरा रिलेशन इसको छोड़िए, हम लोग मीडिया से मैंने आप रखना भी नहीं चाहते हैं, बताइए। देखो तुम कैसा तुम कांड तुम किया जी। हाँ तो कहीं ना कहीं एक जो भी रिलेशन आपका, उस रिलेशन के हिसाब से आप उनसे मिलने जाने वाले हैं कि नहीं, कुछ लेके जाने वाले हैं कि? देखिए और क्या लेके जाने वाले? देखिए अगर देखिए मिलने का सबसे पहले की इच्छा नहीं है, क्योंकि नजायज औलाद है, गंदा गंदा काम का तो क्या मिलने के लिए जाइएगा। लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो बर्नौल है, सिल्वर एक्स मलहम है, मूव है, आयोडेक्स है, ये सब चूंकि उसको अभी अत्यंत आवश्यकता है, उसको हम देख रहे थे कि ऐसे उठेले था, हमको बहुत दया आ रहा था जी। हाँ, हमको बहुत दया आया, एक तरफ से उठेले था, उठाना है तो दोनों तरफ से उठाओ, आना तो बैठाना है तो दोनों तरफ से बैठाओ। हाँ, एक उठाइएगा एक ऊपर तो भार लगता है विशेष पड़ गया है, तो हम देखते हैं। अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रशासन को जो बिहार सरकार के प्रशासन है, लव यू कहना चाहूंगा, लव यू आपके क्वेश्चन करने से पहले लव यू जी। गया जिला के प्रशासन धन्य है आप, और आपने समाज को बताया कि जितने भी लोग जो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको किसी भी स्तर पे कहीं भी पनाह नहीं देने वाले हमारे प्रशासन जी, और हमारे न्यायपालिका पे मुझे भरोसा था, आज भी है, और ऐसी ही भरोसा मुझे कायम रहेगी आजीवन, क्योंकि ऐसे लोग को न्यायपालिका को मालूम है कैसे नकेल कस देना है उस पर। आप खुद लास्ट है,
आप खुद जेल गए हुए हैं और वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस कर लिया है, तो मैं चाहूँगा समर सिंह और गौतम सिंह को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? देखिए तो हमर वाला मैटर अलग ना था जी। हम जब जेल गए थे, ये लोग जिस मैटर पे गए उस मैटर के हिसाब से क्या तो अब तो ये लोग को वहाँ भी जाओ तो बढ़िया से रहो, जाति पाति मत करना। जाति पाति करेगा तो इनने से जो हल्का फुल्का गर्म हुआ तो हुआ वो बड़का बड़का ताबा रहता है, यहाँ तो ताबा छोटका था, हुआ रहता है बड़का ताबा। आप समझ जाइए ओकर बाद हजारों लोग तब समझिए। तो वो ताबा के व्यवस्था नहीं हो, कोशिश यही करना। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग अपने आप में हैं जी। हाँ वहाँ मामले में अंदर गया। हाँ वहाँ कम से कम भाईचारा उचारा बना के रखना। वहाँ बाघ बकरी एक जगह पानी पीते हैं, और वहाँ अगर गड़बड़ सड़बड़ करे कोशिश किया कि फलना महादलित है, फलना ओबीसी है, फलना जनरल है, फलना अल्पसंख्यक है, अगर इस तरह का व्यवहार किया तो वहाँ फलना चिल्ला से बढ़िया से लोग व्यवस्था कर देंगे वहाँ से जी। हाँ तो वहाँ अच्छा से रहो और ठीक है, आज न कल तुमको पकड़ाना था पकड़ाया, अभी से कम अच्छा से रहो तो जो भी है साल दो साल का सजा हो करके फिर उसके बाद आ जाओगे तो बढ़िया से हर किसी के बारे में अच्छा सोचो बस। हाँ जी धन्यवाद, आपने इंडियन टाइम्स न्यूज को समय दिया इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों आप देख रहे थे हमारे साथ संतोष रेणु जी थे और इन्होंने बहुत अच्छा से बोल दिया है। बाकी अब मैं क्या कहूँ, अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मगहिया जवान जो है वो जेल गए हैं तो उसके बारे में आपका क्या कमेंट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो कुछ और स्पेशल लेके आने वाला है, तो आप मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।